हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये हमारा शेरवानी स्टाइल में जो हमने कुर्ता का कटिंग किया था, अब हम इसमें सिलाई का देखेंगे कैसे सिलाई करना है। ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। अब देखो, हम दोनों को इसको मिलाते हुए इक्वल रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम चार नीचे से 4 इंच पर स्लिट का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी 4 इंच पर स्लिट का निशान लगाना है। ये देखिए, जो दोनों हमने स्लिट का निशान लगाया, अब हम इन दोनों के बीच में ही सिलाई करनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें मिलाते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। गाइस, ये मेरा स्टिच, ये जो कुर्ता शेरवानी स्टाइल में जो है, इसका मेरा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये पहली बार मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज मेरे फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कटिंग करनी है। ये देखिए, जहां पर हमारा चौक का निशान है, हमें सिर्फ यहीं तक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिलाई कर लिए। अब हम इसको सीधा करने के लिए हमें इसके कॉर्नर्स को कट करना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। देखिए, दोनों साइड के कॉर्नर्स को हम कट कर लिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, सीधा करते हुए हमें इसके जो 2 कॉर्नर्स थे, इधर हमने कट किया था, वो भी कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकाल लेंगे। अगर कॉर्नर्स अच्छे से ना निकल पाए तो हम डिल सुई की मदद से भी इसको निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर्स को निकाल लेना है। ये देखिए, अगर ना निकल पाए तो हमें नीडल की मदद लेना पड़ेगा, सुई की मदद से इसको निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारे दोनों कॉर्नर्स अच्छे से निकल गए हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें चारों ओर सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है, वो दोनों अटैच हो जाए। ये देखिए, ये हमारा सिलाई हो गई है। ये देखिए, हमारे ये जो बैक पार्ट है, वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट का किया था, वैसे हमें इसमें फ्रंट पार्ट का भी करना है। हमारा जो मेन फैब्रिक है, उसको हम सीधा रखते हैं, उसके ऊपर अस्तर लगा लेंगे। देखिए, अब यहाँ से हम 4 इंच पर जो स्लिट का निशान में मतलब बैक पार्ट में लगाए थे, वैसे इधर भी हम लगा लेंगे। ये देखिए, और हम देखिए, यहाँ से हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, वहां से मार्क करते हुए हमें यहाँ तक देखिए सिलाई करनी है। जहाँ से हमने चौक का मार्किंग किया है, वहीं से हमें सिलाई करनी है। देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच पर कट लगाया है, जिससे हमें पता चल गया कि ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। देखिए, यहाँ से हमें जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया, वहां तक हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो चौक का निशान दिख नहीं रहा है, हम इस साइड पे भी लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली। अब देखिए, हमें इसको सीधा करना है। सीधा करने से पहले हमारे जो कॉर्नर्स है, हम उसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर कॉर्नर्स को कट कर लेना है। देखिए, हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दे रहे हैं, जिससे हमारा आसानी से ये सीधा हो जाए। देखिए, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर स्लिट था, वहाँ पर भी हमने छोटा सा कट लगा दिया। अब देखिए, इसको निकालते हुए हम सभी कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल देंगे। ये देखिए, हम नीडल के सुई की मदद से हम इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से।
देखिए हम सभी कॉर्नर्स को निकाल लिया। अब हम फिर से इसके चारों ओर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक पर सिलाई हो सके, जैसे हमारा ये अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इसकी सिलाई हो गई हमारे पास। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी रेडी करके रखें। देखिए ये हमारा दो पार्ट में था, तो हमने सेकंड पार्ट भी हमारा पहले से हम रेडी करके रखे। देखिए इसका जब सिलाई होगा कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनने वाला है हमारा। अब देखिए हम इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, तो हम बैक पार्ट जो है हम सीधा रखते हुए उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए इसके शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसमें रखना है और शोल्डर मिलाते हुए हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ इसके भी शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे, जो हमारा दाब की सिलाई रहती है। ये देखिए शोल्डर के ऊपर हमें रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरे शोल्डर में भी करना है। देखिए जो हमारा फैब्रिक है वो एक साइड में लेते हुए हमें सिलाई करनी रहती है इसको। देखिए यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारा सिलाई हो गई है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। ये देखिए अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। देखिए स्लीव्स लगाने के लिए पहले हमें स्लीव्स को रेडी करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, हमारा ये मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। देखो मेन फैब्रिक को हम सीधा बिछ रखते हुए हम इसके ऊपर अस्तर ऐसे रखेंगे और हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमें मिलाते हुए अच्छे से आधा इंच के हिसाब से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें रखना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से हमें स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये हमारी स्लीव की जो सिलाई थी वो हो गई है। ये देखिए अब हम इसको एक साइड में जो हमारा कपड़ा सिलाई किया था वो एक साइड में रखते हुए हम इसके ऊपर दाब की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम देखो मेन फैब्रिक को ऊपर लेते हुए अस्तर को नीचे डालते हुए हम एक बार फिर से मेन फैब्रिक के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हो जाए। ये देखिए हमारा हो गया। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको भी कट कर दे रहे हैं स्लीव्स का। देखिए इस तरीके से ये देखिए हमारा आस्तीन रेडी हो गया। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी रेडी करके रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हम कुर्ता का फैब्रिक लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जो रेडी हुआ था, हमने जैसे शोल्डर ज्वाइन किया था, हम वो फैब्रिक लेंगे और हम इस पर स्लीव्स रखते हुए ज्वाइन करेंगे। देखिए हमने पहले सेंटर में मार्क किया था जब हम कटिंग कर रहे थे। देखिए शोल्डर का सेंटर पार्ट लेते हुए हमें आस्तीन का भी सेंटर पार्ट जिधर हमने कट किया था उसको मिलाते हुए हम दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है।
देखिए हमारा एक साइड का स्लीव रेडी हो गया, ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी स्लीव को रेडी करना है। देखिए इस तरीके से इस साइड में भी हम सेंटर मिलाते हुए इससे दोनों साइड में स्लीव को अटैच कर लेंगे। गाइस मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फास्ट स्पीड में वीडियो रन कर रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। ये तो अटैच करना है तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे अटैच करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा स्लीव का जो दोनों साइड का जो स्लीव था वो अटैच हो चुका है। ये देखिए ये हमारा एक साइड का, ये दूसरे साइड का। अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। देखिए फिटिंग के सिलाई लगाने से पहले हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। देखिए पॉकेट अटैच करने देखते देखिए ये हमारा कपड़ा है। देखिए इसकी लंबाई जो हमने लिया है 6 इंच रखा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। अब हम छोटा सा कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें छोटा सा कपड़ा कट कर लेना है जो रुमाल का शेप दे सके हम। देखिए इसको ऐसे रुमाल का शेप देते हुए हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक है, हम इसके ऊपर ऐसे रखते हुए देखिए ये हमारा ऐसे हमें इसमें अटैच करना है। देखिए हमारा जो पॉकेट बनेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए हमारा जो पॉकेट बनने वाला इस तरीके से दिखना। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इसको ऐसे रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसमें एक और फोल्ड करेंगे और ऊपर साइड में भी हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, गोल्डन हमारा दिख रहा है। देखिए गोल्डन इक्वल करते हुए हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से देखिए हम दोनों साइड में ऐसे छोटे छोटे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में थोड़ा सा सिलाई कर लेना है अंदर साइड फोल्ड करते हुए। देखिए हमारा पॉकेट जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा पॉकेट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इस पे अटैच करेंगे। देखिए हम इस पे अभी यहाँ पर ऐसे लगाते हुए यहाँ पर अटैच करना है। देखिए हम शोल्डर से 5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से 5 इंच और हम आगे साइड में जितना हमारा बटन लगने वाला है उसे हम 2.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। ये देखिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर सॉरी 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए अब इस पे ही रखते हुए हमें इसको अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है और इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारा जो पॉकेट है वो अटैच हो चुका है। देखिए हमारा पॉकेट अटैच हो चुका है। देखिए हमारा पॉकेट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। देखिए ऐसे ही हमें दूसरे साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारा दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई हो गई है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका बनने के बाद। देखिए हमारा शेरवानी जो रेडी हुआ है कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अब हम इसमें गले का
गले का कॉलर लगाएंगे। देखिए गले का मार्क का गले में कॉलर लगाने से पहले हम इसको मार्क करेंगे। देखिए हमारा जो 1 इंच का कपड़ा हम उसको छोड़ते हुए फिर इसमें हम कॉलर के लिए गले की नाप लेंगे। देखिए इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर कट कर दिए, ये देखिए हमने यहाँ पर कट लगा दिया है। अब हम देखिए यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हमें देखो दोनों साइड में हम 1 इंच छोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम ऐसे गोलाई में इसका नाप ले लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा टोटल कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। अब हम टोटल 12 इंच का कॉलर रेडी करेंगे। देखिए ये हमारा कैनवास है, कैनवास देखिए हम 14 इंच पर हम कैनवास ले रहे हैं। देखिए हम इसको कैनवास ले लिया, अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम कॉलर का मार्किंग करेंगे। अब हम सबसे पहले देख लेंगे हमारे कॉलर पर, देखिए हमारे यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करना है। देखिए हमारा और यहाँ पर 1 इंच मतलब जो कॉलर का स्टैंड रखना है वो हमारा 1 इंच रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 इंच रखा है, यहाँ से भी हमें 1 इंच पर रखना है और हमें इसका मिला लेना है। देखिए दोनों निशानों को हम मिला ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मिलाने के बाद अब हम जो हमने गला का लंबाई चौड़ाई लिया था हम उसको लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे लिया था, ऐसे ही हमें हल्का सा गोलाई देते हुए हमें कटिंग कर लेना है। देखिए हमें ऊपर से भी हल्की सी गोलाई दे देनी है। देखिए ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम कॉलर कटिंग करने से पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई, कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से, जिससे हमारा कटिंग करते समय ये हिले ना। ये देखिए हमारा सिलाई हो गया, अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। देखिए जिससे हमने मार्किंग किया है उसी हिसाब से हमें कटिंग करना है। देखिए उससे मिलाते हुए हमें कटिंग करना है। देखिए यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देना है और नीचे से भी हल्का सा राउंड शेप देना है। देखिए हम जहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग किए थे वहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। देखिए इस तरीके से अब हमारा, देखिए ये कॉलर हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे, ये जो कॉलर हम कट कर रहे हैं इसे हम स्टैंड कॉलर बोलते हैं। इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं रहती है, हल्का सा गोला रहता है। ये देखिए अब इस जब रेडी होगा हमारा कॉलर तो इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये हमारा स्टैंड कॉलर है, ये हम जैकेट कुर्ते में ऐसे लगाते हैं, शेरवानी में जो रहता है। ये देखिए हमारा अस्तर का कपड़ा है। देखिए हमने इस पर स्टिक कर लिया, सॉरी कैनवास को हमने इस पर प्रेस से स्टिक कर पेस्ट कर लिया है। अब हमारा देखिए मेन फैब्रिक उस पर रखते हुए हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने इस पर सिलाई कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारी सिलाई हो गई, ऐसे ही हमें दूसरा कपड़ा भी कट कर लेना है। देखिए हम प्रिंट को देखते हुए कट करेंगे। देखिए हमारा जिस साइड में हमारा प्रिंट सीधा दिख रहा है उसी साइड में हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए अब हम इसके, देखिए हम इधर चौक से निशान लगा रहे हैं, उसी चौक के निशान पर ही हमें सिलाई करनी है। देखिए इसके ही साइड साइड में हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेना है। देखिए हम एकदम कॉर्नर पर ही सिलाई लगा रहे हैं, हम कैनवास पर सिलाई नहीं लगा रहे, उस कैनवास के साइड साइड से हमें सिलाई लगाना है। देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई, देखिए जहाँ पर हमारा चौक का निशान है वहीं पर हम ये सिलाई को रोक देंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रोक देना है। देखिए हमारे कॉलर का जो सिलाई था वो रेडी हो गया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे। देखिए जिधर हमने सिलाई लगाई थी उस तरह से ही हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। देखिए अब हमारा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमारा कट हो गया है। देखिए अब यहाँ पर भी, देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए हम यहाँ पर से भी आधा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए अंदर साइड में फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर भी कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर कट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे और यहाँ पर कट कर लिए। अब देखिए फोल्ड करने से पहले हम जो ऊपर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कट करके छोड़े थे ना वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। देखिए ये हमने कट लगा दिया। अब हम इसको
सीधा कर लेंगे। देखिए कैनवास को हम अंडर साइड में डालते हुए जो हमारा फैब्रिक का साइड है हम उसको ऊपर साइड में कर लेंगे। देखिए हमारा ये कॉलर जो है वो सीधा हो गया है। अब हम इसको आयन कर देंगे। देखिए आयन की मदद से हम इसको अच्छे से अंडर साइड में कपड़ा भी फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें, ये देखिए हम जहाँ पर चौक का निशान लगा रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसे भी थोड़ा सा कट कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से भी कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको पेस्ट आयन से हमारा आयन हो गया है। देखिए आयन करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको सेंटर मार्क करेंगे। इसके लिए हम डबल फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ऐसे ही हमने कुर्ते के फैब्रिक में भी कट किया है कॉलर कॉलर जहाँ हमें अटैच करना है। देखिए ये दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमें कॉलर को सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें इसका सेंटर लगाना है और सेंटर मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेनी। देखिए हमने जहाँ पर चौक का निशान किया है उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारे एक साइड का कॉलर अटैच हो चुका है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी कॉलर अटैच कर लेना है। देखिए कपड़े को मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारा कॉलर का सिलाई कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए हमारा सिलाई हो गया है। ये देखिए अब हम जो ये कपड़ा हमने जिसे सिलाई किया था हम उसको सीधा करते हुए देखिए इस तरीके से हमें सीधा करते हुए हम इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने सिलाई करते समय जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हम उसको अंदर साइड में डालते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से देखिए हम ऐसे कपड़ा डालते हुए अंदर सिलाई कर ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा कॉलर अभी रेडी हो जाएगा। ऐसे देखिए अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अगर दिख रहा है ऐसे तो हम इसको कट करके अंदर साइड में डाल देंगे जिससे हमारा वहाँ पर जाड़ा मतलब थोड़ा सा फुगा हुआ ना दिखे। फिनिशिंग के हिसाब से हमें वहाँ पर जो कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें सिलाई इसके कॉलर के चारों ओर करना है। देखिए इस तरीके से हमें कॉलर के चारों ओर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमारा कॉलर अभी सिलाई हो चुकी है कॉलर की। अब आपको दिखाते हैं कॉलर अटैच होने के बाद हमारा कुर्ता किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए हमारा कॉलर अटैच होने के बाद हमारा कुर्ता कैसे दिखता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये कुर्ता रेडी हो गया है। देखिए ये कॉलर भी अब रेडी हो चुका है। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।